केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आए। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा, इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।